अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। किसी ताखीर गजल के दौर का आगाज करना चाहता हूं। गजल जैसा कि मैंने कहा कि गजल में शायर मुख्तलिफ लहजों में हमसे और आपसे गुफ्तगू करता है। कभी महमहम की लब रुखसार से अठखेलिया खेलता है, कभी वारदात कलबी का जिक्र करता है, कभी हालात हाजरा की अक्कासी करता है, कभी समाज माशरे के मसाइल को पेश करता है, कभी गरीबों के दुख दर्द उनके हिसाब और उनकी खुददारियों को बयान करता है। यूं कहा जा सकता है कि गजल महदूदियत से निकलकर ला महदूदियत की जानिब गामजन है। गजल में कभी दिल की बातें हुआ करती थी, गजल में आज दिल की भी बातें होती हैं और दिल्ली की भी बातें होती हैं। जब शायर गजल में दिल की बातें करता है, जब शायर गजल में महबूब की बातें करता है, तो आपकी अपनी सरजमीन मुंबई से कैफ़ाकोरी कहते हैं कि खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में न जा। अब यहाँ से आपकी बेदारी चाहूंगा मैं, बिल्कुल यहाँ से आप आजाद है, आह कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, आप अपने हाथों को हवाओं में लहरा सकते हैं। कैफ़ाकोरी कहते हैं कि खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में न जा, खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में न जा, आग पानी में लगेगी मछलियां जल जाएगी। नहीं ऐसे नहीं, मैंने आपको गजल का शेर सुनाया और आपने जिस खामोशी से सुना तो मुझको फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि हम किसी ताजियती नशिश्त में नहीं बैठे हैं, हम उर्दू के मुशायरे में आए हैं। देखिए मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं, जब तक कि आप अपनी बेदारी का सबूत नहीं देंगे मुझको भी मजा नहीं आएगा, आने वाले शुरा इकराम को भी मजा नहीं आएगा। हम आपसे बस आपकी मोहब्बतें चाहते हैं। कैफ़ाकोरी का शेर मैं फिर आप तक पहुंचा रहा हूं और आपकी तालियां यहां तक पहुंचनी चाहिए कि खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में न जा, खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में न जा, आग पानी में लगेगी मछलियां जल जाएगी। नौजवान शायर जनाब चिराग शर्मा गजल के हवाले से कहते हैं कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिके गजल हैं, तुम मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। हम आशिके गजल हैं, तुम मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। गजल की जुबान में कुछ इस तरह से भी गुफ्तगु होती है। महशर आफरीदी कहते हैं कि तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। हाजरीन गजल के हवाले से मुनव्वर राना कहते हैं कि गजल में माँ के जिक्र ने गजल को पाकीज़ और मुकद्दस कर दिया है। तो शायर माँ के हवाले से भी कुछ इस तरह से गुफ्तगू करता है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, कोई अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, कोई अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हाजरीन
आइए मैं कुछ गजल का ये माहौल बनाने के लिए मैंने कुछ अशआर आप तक पहुंचाए। अब आइए इसी खूबसूरत माहौल में हम इस्तकबाल करते हैं एक नए शायर का जो आपकी मोहब्बतें चाहता है। मैं जब कभी इस जमीन पर आता हूँ तो एक ना एक नाम ऐसा सामने आता है जिसकी इब्तिदा होती है, जिसका आगाज होता है, जो मुशायरों से अपना सफर जारी करके उर्दू दुनिया में जगमगाना चाहता है। तो आज के इस मुशायरे में भी एक नया नाम मेरी फहरिस्त में आया है जो आपकी मोहब्बतें और आपकी दुआएं चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप उस नाम को, उस शायर को, उस नौजवान को भरपूर मोहब्बतों से नवाजेंगे। हाजरीन, इस वक्त मैं कलीम शेख से गुजारिश करता हूँ कि आप मौसूफ तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब कलीम शेख, पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम। और सभी कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ मुझे मौका मिला आप सब लोगों के बीच में कुछ पढ़ने का। और जैसा कि अभी भाई साहब कुछ पेश करके गए हैं तो मैं भी इमाम हसन और हुसैन के हवाले से एक शेर पेश करके फिर बात पे आते हैं। सुनिएगा कि मस्जिद में शराब, शराब में कुरान होता, कि मस्जिद में शराब, शराब में कुरान होता, अहले बैत पर अगर खुदा का करम ना होता और लुट जाता हर शख्स अपनी सिफायत से अगर नाना का हुक्म ना होता। पेश करते कुछ तरनों में, मेरे दुश्मन मेरी दुनिया को तुम क्या जलाओगे, झुंझुनी बैठे बैठे कि मेरे दुश्मन मेरी दुनिया को तुम क्या जलाओगे, मेरे दुश्मन मेरी दुनिया को तुम क्या जलाओगे, लगेगी आग जब घर में बुझाना भूल जाओगे। क्या बात है। और जैसे कि आजकल लोग गरीब जो रहता है लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, मैं जितने भी शायर स्टेज पे बैठे हैं इनके हवाले से पूरी चांदी वाली की खिदमत में पेश कर, और सुनिएगा क्या कहना चाहता हूँ कि उगलती आग मत बनना कि तूफान हम भी बनते हैं। बात उगलती आग मत बनना के तूफा हम भी बनते हैं, जरा तुम गौर फरमाना मोहब्बत हम भी करते हैं, जरा तुम गौर फरमाना मोहब्बत हम भी करते हैं। और मेरे दुश्मन मेरी दुनिया को तुम क्या जलाओगे, लगेगी आग जब घर में बुझाना भूल जाओगे। ये आखिरी मतलब पेश कर रहा हूँ, टाइम की किल्लत है। और सुनिएगा कि जिस तरह लोग आजकल एक दूसरे का हक मार रहे हैं, बेखबर हो गए अपने मौत से, सुनिएगा कि जरा सा सब्र ना हो जब कफन को याद कर लेना, क्या बात है, वाह। जरा सा सब्र ना हो जब कफन को याद कर लेना, है मरना सबको है एक दिन जहन्नुम याद कर लेना।
बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक शेर पढ़ के मैं जाऊंगा कि खुद को तलाशा मैंने, क्या मेरे को हॉस्पिटल भी जाने का इसके लिए, कि खुद को तलाशा मैंने खुद की तरह, कोई मिला नहीं मुझको मेरी तरह। कि खुद को तलाशा मैंने खुद की तरह, कोई मिला नहीं मुझको मेरी तरह, और इस जिंदगी से घबराने की कोई बात नहीं, मुझको मेरा साया डसता है इबादत की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद कलीम शेख साहब को।